subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं आपको बताऊंगा द इनविजिबल मैन नॉवेल के चैप्टर एट द हाउस इन ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए ये वीडियो और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। द इनविजिबल मैन ये नॉवेल लिखी है एचजी वेल्स ने। दोस्तों मैं पहले भी एक कंप्लीट नॉवेल की समरी और चैप्टर वाइज समरी का वीडियो बना चुका हूं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैप्टर 19 सर्टेन फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि कैसे ग्रिफिन सोने से पहले कैंप वाले कमरे को चेक करता है और फिर सोने चल जाता है, और अगले दिन जब वो उठता है तो वो बहुत गुस्से में होता है और कमरे की चीज़ों को तोड़फोड़ करता है। फिर डॉक्टर कैंप उसे शांत करते हैं और उससे पूछते हैं कि कैसे वो इनविजिबल बना। तो फिर वो बताता है कि वो अपने गांव से लंदन की ओर गया था और वहां पर उसे पैसों की कमी हो गई थी, इसी कारण उसने अपने घर में ही चोरी कर ली थी और इससे उसके पिताजी की डेथ हो गई थी। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसके आगे क्या हुआ था। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है ग्रिफिन से, जो कि कैंप के रूम में स्टोरी सुनाते सुनाते घूम रहा था। वो बार बार विंडो की तरफ जा रहा था तो इससे डॉक्टर कैंप को शक हो जाता है कि कहीं इनविजिबल मैन पुलिस को आते हुए न देख ले। तो वो ग्रिफिन को एक कुर्सी पर बिठाता है और फिर वह उसके सामने बैठ जाता है ताकि ग्रिफिन को खिड़की से कुछ दिख ना सके। फिर ग्रिफिन अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है। वह चेसिल्टो को छोड़कर लंदन में आता है और लंदन की ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट के एक स्लम में एक कमरा ले लेता है। वह कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है लेकिन उसमें कोई फर्नीचर नहीं होते, लेकिन ग्रिफिन अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को उस कमरे में भर देता है। ग्रिफिन अपने पापा के फ्यूनरल में तो जाता है लेकिन वहाँ पर भी वो सिर्फ रिसर्च के बारे में ही सोचता रहता है। उसे अपने पापा के मरने का दुख मनाने का कोई टाइम ही नहीं था। फिर ग्रिफिन अपने घर से उस रूम पे आता है और रूम पर आकर वो वापस रिसर्च चालू कर देता है। बहुत दिनों तक वो रिसर्च करता है और छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स भी करता है। सबसे बड़ा वो एक्सपेरिमेंट उसने एक वाइट ऊन पर किया था। वाइट ऊन धीरे धीरे एक धुएं की तरह गायब होने लग गई थी और थोड़ी देर बाद वो कम्प्लीटली गायब हो जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को सफल होता देख इनविजिबल मैन या ग्रिफिन बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो ऊन को छू तो पा रहा था लेकिन उसे ऊन दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उसने अपना अगला एक्सपेरिमेंट किया एक बिल्ली पर, तो वो बिल्ली भी गायब हो गई लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह चिल्लाने लगी, और वह बिल्ली उस मकान मालिक की थी जहाँ पर वह रहता था। तो बिल्ली के चिल्लाने से मकान मालिक उसके रूम में आ जाती है और मकान मालिक एक बूढ़ी औरत होती है, तो उसे देखकर ग्रिफिन उस बिल्ली को खिड़की के बाहर फेंक देता है। एक दिन मकान मालकिन अचानक ग्रिफिन के रूम में आ जाती है ये चेक करने कि ग्रिफिन क्या कर रहा है। तो इस पर ग्रिफिन की उस मकान मालकिन से बहस हो जाती है और ग्रिफिन उसे रूम से बाहर धक्का दे देता है। फिर थोड़ी देर बाद ग्रिफिन को एहसास होता है कि वह एक मुसीबत में पड़ सकता है। तो ग्रिफिन कुछ इंपॉर्टेंट किताबें और बॉटलें किसी सही जगह पर पहुंचा देता है। फिर थोड़ी देर बाद मकान मालिक और उसका बेटा उसके रूम पर आता है और वह दरवाजे को तेज तेज बजाने लगते हैं। तो ग्रिफिन इन सब से बचने के लिए अपने रूम के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को तहस नहस कर देता है और वहाँ पर एक माचिस पड़ी होती है, उससे वह उस रूम में आग लगा देता है और वह खुद उस खिड़की से कूदकर रूम के बाहर चला जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि दुनिया की नज़रों से अपने काम को बचाने का ये सिर्फ एकमात्र रास्ता है। इनविजिबल होने के बाद अब वह कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सोचता है जिसे वो अब कर सकता था। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। अब मैं आपको बताऊंगा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता रहता है। तो क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एट द हाउस इन ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट, मतलब जो ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट में ग्रिफिन का कमरा था उस पर क्या होता है। तो ग्रिफिन अपना रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करता रहता है, इतने में वहाँ की मकान मालकिन आ जाती है उसको चेक करने के लिए। तो इस पर ग्रिफिन और उसकी बहस हो जाती है और वह मकान मालकिन को रूम के बाहर फेंक देता है या उसको धक्का दे देता है। फिर मकान मालिक को उसका बेटा उसके रूम पर आता है तो वह अपनी चीज़ों को बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए रूम में आग लगा देता है और खुद वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर चाहिए हों, तब कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।
सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस न हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।